नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सोलंकी, अरोमा थेरापिस्ट, ज्योतिष आचार्य और वास्तु कंसल्टेंट हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऑफिस, फैक्ट्री, घर या कोई आपका फ्लैट देखने जा रहे हो तो उसका प्रवेश द्वार कौन सी दिशा का है। ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मेन चीज इसमें ध्यान ये रखनी है कि जब आप वो वास्तु में, वो जगह से जब आप बाहर निकल रहे हैं तो सामने की जो दिशा है वो कौन सी है, वही दिशा वो वास्तु की प्रवेश द्वार की दिशा मानी जाएगी। जैसे कि आप बाहर निकलते हैं और सामने की दिशा पूरब है तो पूरब की एंट्री मानी जाएगी, उत्तर है तो उत्तर की एंट्री मानी जाएगी। कई बार क्या होता है कि एंट्री मुख्य दिशा की तरफ ना होते हुए कोण तरफ की एंट्री होती है, जैसे ईशान की एंट्री, अग्नि की, नैऋत्य, इस तरह से एंट्री होती है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, आप वो जगह में एक साइंटिफिक वास्तु कंपास ले लो, वो जगह के सेंटर में यानी कि ब्रह्म स्थान में उसको रखिए, फिर देखिए कि वो जो मेन एंट्री है उसका जो मेन प्रवेश द्वार है वो किस तरफ आता है। आपको ये पता चले, इजीली समझ आ जाए, इसलिए मैं अभी आपको एक चार्ट के ऊपर ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी एंट्री, मुख्य एंट्री मेन दिशा की है या प्रवेश द्वार की जो दिशा है वो कोण तरफ की है। बराबर, ये चार्ट में आप देख रहे हो कि उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ये चार मुख्य दिशा है और चार कोण, उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण है वो ईशान कोण है, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। पूरब और दक्षिण के बीच का जो कोना है वो अग्नि कोण है। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना है वो नैऋत्य कोण, जिसको साउथ वेस्ट कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोण है वो वायव्य कोण है, उसको नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। तो यहां पे मैंने आपको दिशा और उसके कोण की इंफॉर्मेशन दी है। आप अपना जो भी फ्लैट या वास्तु खरीद रहे हो तो ये उसमें आपको सहायक रहेगी। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए और मेरी ये जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। नमस्कार, थैंक यू।